हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। फ्रेंड्स, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न PSU ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल आप एलिजिबल होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। इंगेजमेंट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का होने वाला है, जो कि नॉर्थ जोन IRCTC की तरफ से निकाली गई है नॉर्थ जोन में। और ये जो यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, यदि आपका, तो आपको यहाँ पे नई दिल्ली में इनकी तरफ से पोस्टिंग दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उस रेड बटन को दबा के। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। IRCTC की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है, नोटिस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी है नॉर्थ जोन में इनकी तरफ से निकाली गई है, और यदि आपकी यहाँ पे जॉब लगती है तो ये दिल्ली में इनकी तरफ से पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 80 वैकेंसी इनकी तरफ से अनाउंस की गई है। इसके बाद यहाँ पे इनकी तरफ से मेंशन किया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी मैट्रिकुलेशन, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी जो है मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन इनकी तरफ से मांगा गया है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिलिएटेड टू NCVT SCVT यहाँ पे कंपलसरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कोपा ट्रेड में। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी मिनिमम एज लिमिट यहाँ 15 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना होगा, apprenticeshipindia.gov.in, इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और यहीं से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स इनकी तरफ से मेंशन किया गया है, 7/10/2022 को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, लास्ट डेट होने वाली है 25/10/2022। इस डेट से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट निकाली गई है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे तो आपका बताया गया है इनकी तरफ से, मैट्रिकुलेशन का जो आपका मार्कशीट में जो आपकी मैट्रिकुलेशन है उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट में यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग पीरियड है इनकी तरफ से बताया गया है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपके लिए स्टाइपेंड 8,000 होने वाली है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, और ग्रेजुएशन वालों के लिए 9,000 का यहाँ पे इनकी तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 12th पास वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो कैटेगरी है इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए मैंने बताया है, इस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे इनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, इनकी तरफ से बस इतना ही इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बताया गया था। यदि आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन की जॉब अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।